कबीर उसमें फौलाद शक्ति है उसमें स्वदेश की भक्ति है वह युद्ध के रुख को बदल देता दुश्मन को बल में मसल देता फादार वो सूरवीर सबका है यार उत्साही सूरमा परम वीर रक्षक सब कारण धीर वीर हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है कह रहे हैं आप प्रमुख मैंने छुपाया आपकी पुत्री को यशोदरा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मुझे पता लगवाना आता है ये हड्डियां बेशक बूढ़ी हो गई हैं लेकिन ये हड्डियां तुझ जैसे अत्याचारी से अपराध गुलवाना जानती हैं नीच नहीं है नया प्रमुख जितना आप उसे समझते हैं मैं यशोदरा से प्यार अवश्य करता हूं लेकिन मैंने उसका अपहरण नहीं किया अगर अब भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो लीजिए काट दीजिए मेरी गर्दन चला दीजिए मुझे अपनी नफरत की सूली पर तुमने मेरी बेटी का अपहरण नहीं किया तो मेरी बेटी का अपहरण किसने किया है कौन हो सकता है वो मेरा यकीन करो न्याय प्रमुख जिस किसी ने भी यशोधरा का अपहरण किया है दुर्जन उसे ऐसी मौत देगा कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा किसका हाथ हो सकता है Thank you.
न्याय प्रमुख सत्यप्रिय को न्याय से बहुत प्रेम है ना? अब काल भैरव उन्हें बताएगा कि अन्याय किसे कहते हैं, भय का क्या अर्थ होता है। इस राज्य में काल भैरव के विरुद्ध होने वाला चैन की नींद नहीं सो सकता, कभी नहीं। अपने पापों पर अभिमान करने वाले नीच, तेरे पाप ही तेरे विनाश का कारण होंगे। एक अबला स्त्री तुझे श्राप देती है, देख लेना तुझे ऐसी मौत नसीब होगी जिस पर रोने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मेरी मौत की नहीं, अपनी मौत की परवाह कर नादान लड़की। तेरे खून में तेरे पिता की जितनी भी अकड़ बाकी है वो इन सलाखों से टकरा टकरा कर अपना दम तोड़ देगी। रुंड मुंड खंड खंड चंडिका नमो नमः, हे प्रचंड खंड खंड चंडिका नमो नमः। सुंदरी, ये कोई महाराजा का बंदी गृह नहीं, ये प्रचंड देव का तिलिस्म कारावास है, जहां चारों ओर रूहों का वास है और रूहों को केवल मौत की प्यास है। गुरुदेव, सत्यप्रिय की ये बेटी अपने पिता की तरह काल भैरव के दुश्मनों में अपना नाम लिखवा चुकी है। अपने प्रेम जाल में दुर्जन को फंसाकर काल भैरव को छोड़ने का पाठ पढ़ा रही है। अच्छा, तो दुर्जन को भी विश्वासघात का पाठ पढ़ाना ही होगा, क्योंकि प्रेम की ज्वाला में हाथ सेकने से प्रचंड देव को बहुत सुख मिलता है, बहुत ज्यादा आराम मिलता है काल भैरव। यह तेरी खुशकिस्मती है कि तू आज फिर मेरे हाथों से बच गया। ये तुम क्या कह रही हो तारा? न्याय प्रमुख की बेटी का अपहरण हो गया? हाँ महारानी जी, कोई दुष्ट न्याय प्रमुख के सेवक की हत्या करने के बाद यशोधरा का अपहरण कर ले गया। हे ईश्वर, ये हमारे राज्य में कैसी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं?
कौन है जो हमारे राज्य की शांति का शत्रु है? शत्रु का तो मैं नहीं कह सकती महारानी जी, किंतु एक एक करके इस राज्य के मित्र और शुभचिंतक विपत्तियों से घिरते जा रहे हैं। अभी राजगुरु और उनकी पुत्री के लापता होने का रहस्य सुलझ भी नहीं पाया था कि यशोधरा का अपहरण हो गया। न्याय प्रमुख पर दुखों की बिजली गिर पड़ी होगी तारा, न जाने उनके मन में क्या बीत रही होगी। गुनाहों की कैसी राजधानी है, सत्य की रक्षा का यह कैसा उपहास है महाराज? जिंदगी भर न्याय की खिदमत करने वाले को क्या इनाम मिला है जिसने मुझे इस राज्य के न्याय प्रमुख सत्य प्रिय को इस दरबार में एक फरियादी के रूप में खड़ा कर दिया है, एक फरियादी के रूप में महाराज। न्याय प्रमुख, आप और फरियाद, हमारे राज्य में आपके साथ कौन अन्याय कर सकता है? अन्याय के सिवा इस राज्य में और बचाई क्या है महाराज? न्याय के मुख पर तो कालिक पोत दी गई है महाराज। मेरी बेटी का अपहरण हो गया है, मेरे सेवक की हत्या करके कोई नकाबपोश मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। यशोधरा का अपहरण, ये आप क्या कह रहे हैं? न्याय प्रमुख सच कह रहे हैं महाराज, उनकी पुत्री का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि आस्तीन के उस सांप ने किया है जो इस वक्त राज दरबार में मौजूद है। महाराज मैंने स्वयं उसका पीछा किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो मेरे हाथ से बच निकला। महाराज यशोधरा का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं नगर प्रमुख विराट ने किया है। ठीक कह रहे हैं महाराज, चेहरे पे नकाब लगा के घूमना नगर प्रमुख का पुराना शौक है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें चेहरे पे नकाब लगाए रातों को घूमते देखा है। ये सब झूठ है महाराज। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में तो हमारे नगर प्रमुख विराट को महारत हासिल है महाराज। महारानी की दासी तारा ने अपनी आंखों से विराट को एक लड़की का अपहरण करके ले जाते देखा है। महाराज हमारे सैनिकों ने नगर प्रमुख को किसानों को लूटते और उनकी हत्या करते भी देखा है। यशोधरा के साथ विराट ने पहले भी एक बार बदसलूकी की है महाराज। यशोधरा पर विराट की नजर बहुत पहले से लगी है। तो तुम ही हो वो बहरूपिए जिसे पहचानने में मुझसे भूल हो गई। मेरी बेटी ने उस दिन तुम्हारे सामने कहा था कि तुमने उसके साथ बदसलूकी की, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। सत्यप्रिय से इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल किया क्यों? कहा है मेरी बेटी यशोधरा? कहा है मेरी बेटी यशोधरा? अफसोस के साथ कहना पड़ता है महाराज, आपने विराट को बहुत छूट दे रखी है। कहते हैं कि डायन भी अपने शिकार के लिए दो घर छोड़ देती है, लेकिन यह वो शख्स है महाराज जिसने अपने घर तक को नहीं छोड़ा। विराट सारे राज्य की आंखों में धूल झोंक रहा है महाराज। आप इसके चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए महाराज, इसके चेहरे के पीछे छिपे उस चेहरे को देखिए जिस पर राजा निवासियों के पथराव के निशान मौजूद हैं। शराफत का लिबास पहने ये जंगल का एक ऐसा जानवर है जो जिंदा इंसानों का शिकार खेलने इस राजधानी में घुसाया है महाराज। काल भैरव, देखिए महाराज,
एक दिन मेरा हाथ अपनी तलवार पर चला गया था तो मुझे गुनहगार घोषित कर दिया गया था। महाराज, आज विराट का हाथ तलवार पर है, यह इस बात का सबूत है महाराज कि यशोधरा का अपहरण विराट ने किया है। यशोधरा विराट के कब्जे में है महाराज, विराट के कब्जे में है। विराट, यशोधरा न्याय प्रमुख की पुत्री ही नहीं, वो हमारे राज की बेटी है। राज की मान मर्यादा के प्रति तुम्हारा धीरज खोना इस बात का संकेत तो नहीं कि यशोधरा के अपहरण में तुम्हारा ही हाथ है? क्षमा चाहता हूं महाराज, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में अपना धीरज खोने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। एक क्षण के लिए मैं इस राज दरबार की मान मर्यादा का सम्मान करना भूल गया था। मैं भूल गया था कि मैं इस राज दरबार में ऐसे सम्मानित राज पुरुषों के बीच खड़ा हूं जिनके पास हर मौके पर बदलने के लिए एक नया चेहरा मौजूद है। अन्याय के मुख से न्याय की बातें सुन सुनकर मैं ये भूल गया था महाराज कि राजनीति की शतरंज में भी घोड़ा ढाई घर की छलांग लगाता है और ऊंट हाथी की तरह सीधा नहीं टेढ़ा चलता है। मैं ये भूल गया था महाराज कि समय आने पर सच्चाई का सामना करने के लिए सारे झूठ मिलकर एक हो जाते हैं। आज मैं इस दरबार में इतना जरूर कहूंगा महाराज, किसी की बेगुनाही अगर बन गई जिल्लतो ख्वारी, अगर खामोश रहने पर मिलेगा इल्जाम गद्दारी, हुकूमत चल नहीं सकती सिंहासन डोल जाएंगे, बगावत करने पर जिस रोज उतर आएगी खुददारी। अगर आज इस पूरे राज दरबार में विराट के सर पर यशोधरा के अपहरण करने का इल्जाम लगाने का मन बना ही लिया है तो कसम है मुझे अपने उस भाई की जिसने मुझे सच की खातिर झूठ के खिलाफ लड़ने के लिए चट्टान की तरह मजबूत बनाया है। कसम है मुझे अपने उस भाभी की ममता की जिसने मुझे स्त्री का सम्मान करना सिखाया है। कसम है मुझे अपने भोलेनाथ की जिन्होंने मुझे धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार किया है। आज इस पूरे दरबार के सामने विराट यह प्रतिज्ञा करता है कि 13 दिनों के भीतर भीतर यशोधरा को इस भरे दरबार में हाजिर करेगा। अगर सच्चाई के सूर्य के अस्त होने से पहले विराट यशोधरा को यहां लाने में असफल रहा तो विराट सबके सामने इस राज दरबार में आत्मदाह करेगा। विराट आत्मदाह करेगा महाराज, मगर सच्चाई के सामने झूठ को सर उठाने की छूट नहीं देगा महाराज, छूट नहीं देगा महाराज, छूट नहीं देगा महाराज। तेरा दिन। हाँ गुरुदेव, 13 दिन। 13 दिन में तो मरने वाले की 13वीं होती है ना? हाँ गुरुदेव, 13 दिन बाद तो वास्तव में 13वीं होती है। 13 दिन काल भैरव, 13 दिन तो क्या, 13 साल भी विराट को इस तिलिस्म तक पहुंचने के लिए कम है।
अब तुम ये देखना, 13 दिन के पहले ही मैं उसे तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। भीख मांगेगा वो अपने जान की, हम उसे सब कुछ देंगे पर जिंदगी कभी नहीं। आग देंगे उसकी चिता में, आग।